एक दफा एक मुल्क का बादशाह बीमार हो गया। जब बादशाह ने देखा कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो उसने अपने मुल्क की रियाया में ऐलान करवा दिया कि वो अपनी बादशाहत उसके नाम कर देगा जो उसके मरने के बाद उसकी जगह एक रात कब्र में गुजारेगा। सब लोग बहुत खौफजदा हुए और कोई भी ये काम करने को तैयार ना था। इसी दौरान एक कुम्हार, जिसने सारी जिंदगी कुछ भी जमा नहीं किया था, उसके पास सिवाय एक गद्दे के कुछ ना था। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा कर ले तो वो बादशाह बन सकता है, और हिसाब किताब में क्या जवाब देना पड़ेगा, उसके पास था ही क्या, एक गद्दा और बस। सो उसने ऐलान कर दिया कि वो एक रात बादशाह की जगह कब्र में गुजारेगा। बादशाह के मरने के बाद लोगों ने बादशाह की कब्र तैयार की, और वादे के मुताबिक कुम्हार खुशी खुशी उसमें जाकर लेट गया, और लोगों ने कब्र को बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फरिश्ते आए और उसको कहा कि उठो और अपना हिसाब दो। उसने कहा, भाई हिसाब किस चीज का, मेरे पास तो सारी जिंदगी था ही कुछ नहीं सिवाय एक गद्दे के। फरिश्ते उसका जवाब सुनकर जाने लगे, लेकिन फिर एकदम रुके और बोले, जरा इसका नामे अमाल खोलकर देखें कि इसमें क्या है। बस फिर क्या था। सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हां भाई, फलां फलां दिन तुमने गद्दे को एक वक्त भूखा रखा था। उसने जवाब दिया हां। फौरी तौर पर हुक्म हुआ कि इसको 100 दुर्रे मारे जाएं। उसकी खूब धनाई शुरू हो गई। उसके बाद फिर फरिश्तों ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ, फलां फलां दिन तुमने ज्यादा वजन लाद कर उसको मारा था। उसने कहा हां। फिर हुक्म हुआ कि उसको 200 दुर्रे मारे जाएं। फिर मार पड़ना शुरू हो गई, गर्ज सुबह तक उसको मार पड़ती रही। सुबह सब लोग इकट्ठे हुए और कब्र कुशाई की ताकि अपने नए बादशाह का इस्तकबाल कर सके। जैसे ही उन्होंने कब्र खोली तो उस कुम्हार ने बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा, बादशाह सलामत किधर जा रहे हैं? तो उसने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, ओ भाइयों, पूरी रात मैं एक गद्दे का हिसाब नहीं दे सका तो पूरी रियाया और मुमलिकत का हिसाब कौन देता फिरे। कहानी फर्जी है, लेकिन कभी सोचा है कि हमने भी हिसाब देना है, और पता नहीं कि किस किस चीज का हिसाब देना पड़ेगा जो शायद हमें याद भी नहीं है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।